सब्सक्राइब करी है तो मुई करियो कनी नी करियो ते हमरे सब्सक्राइब करो। जमशेदपुर के परसुडी से एक मामला 20 दिसंबर को प्रकाश में आया है। पश्चिमी पंचायत भवन के प्रांगण में स्थित सिद्धू कानू के प्रतिमा के हाथ में थामे धनुष को 19 तारीख की देर रात असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़ दिया गया है। रविवार को मॉर्निंग वॉक में निकले लोगों ने सिद्धू कानू के प्रतिमा को देखा तो कुछ अजीब सा लगा। सामने जाकर देखने पर देखा गया कि उनके हाथ में थामे धनुष को तोड़ा गया है। यह बात तेजी से आसपास के इलाके में फैल गई। जब मैं मॉर्निंग वॉक पर निकला तो मुझे दूरभाष पर सूचना मिली कि सिद्धू कानू चौक पर जो मूर्ति स्थापित की गई सिद्धू कानू की, उस मूर्ति में लगे धनुष को किसी अज्ञात व्यक्ति ने तोड़ दिया है। इस सूचना के दौरान मैं घटनास्थल पर पहुंचा तो घटना को सही पाया तो देखा कि जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत मौजा हालत बोनी में पश्चिमी पंचायत भवन में प्रांगण पर जो वीर शहीद क्रांतिकारी सिद्धू कानू की मूर्ति पर लगी आदिवासियों का ऐतिहासिक धनुष, जो उनकी परंपरा और पहचान है, किसी अज्ञात असामाजिक तत्व द्वारा उस धनुष को तोड़ दिया गया है। इस सूचना पर लोगों, वहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं और वहाँ के स्थानीय लोग जुटे और इसका विरोध किए और इस कृत्य के लिए जो है सभी लोगों ने इसकी कड़ी निंदा की है। ये निश्चित तौर पर एक बहुत ही शर्मनाक घटना है और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, प्रशासन इन तमाम चीज़ों पर निगाह रखे और जिस जगह पर भी, चाहे वो जमशेदपुर हो, झारखंड के किसी भी क्षेत्र में हो, ऐसे महापुरुष की प्रतिमाओं पर जो हमला होते हैं, इससे क्या है कि समाज में एक विरोध पैदा होता है और अशांति का माहौल पैदा होता है जो समाज के हित में नहीं है। लोग जुटने लगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थानीय नेता भी पहुंच गए। सभी लोग सिद्धू कानू के प्रतिमा से छेड़छाड़ किए जाने को लेकर भारी आक्रोश में थे। सिद्धू कानू मूर्ति के धनुष को तोड़े जाने से यहाँ के सामाजिक संगठन मुखिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा और तमाम लोगों ने इसका कड़ी निंदा करते हैं सबसे पहले तो। और इसके साथ साथ हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जो भी असामाजिक तत्व सिद्धू कानू मूर्ति के धनुष को तोड़ा गया है, वैसे लोगों को यहाँ के प्रशासनिक चिन्हित करें और वैसे लोगों को चिन्हित कर उसको उसके ऊपर इफायर लॉज हो, ताकि इस तरह का हरकत इस क्षेत्र में नहीं हो। और ये जो हरकत हुआ है ये प्लानिंग के तहत हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है जब से हम लोग इस सामाजिक सेवा में जुटे हुए हैं, एमपी चुनाव, एमएलए चुनाव और पंचायत चुनाव जब आते हैं, ये इस तरह का घटना यहाँ नहीं, कई जगहों पर असामाजिक तत्व द्वारा साजिश के तहत किया जाता है, ताकि क्षेत्र में अशांति फैले, एक दूसरे में आपसी मतभेद जुटे और जो प्लानिंग किए हैं, जो साजिश रचे हैं, उसे साजिश रचने वालों का काम सफल हो। वीर सपूत सिद्धू कानू के प्रतिमा के साथ किसने ऐसी हरकत की, इसका पता नहीं चल पाया है। लोग पुलिस प्रशासन से दोषियों को गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। इससे संबंधित एक प्राथमिकी भी दर्ज करने की बात बताई जा रही है। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, लोग वहां पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। सभी ने एक स्वर में इस घटना की जोरदार निंदा की है और अज्ञात असामाजिक तत्वों पर अविलंब कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। ट्राइबल इंडिया टीवी के लिए जमशेदपुर से प्रियंका सरका की रिपोर्ट। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।